हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन। मैं हूँ अविनाश कुमार और आरआरबी एएलपी पेपर 2 में ट्रेड फिजिक्स एंड मैथ्स में आप लोगों के फिजिक्स की क्लासेज चल रही है। हम लोग का ऑप्टिक्स का चारों चैप्टर खत्म हो चुका है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड द ह्यूमन आई। और मैंने चैप्टर 4 खत्म हुआ था तो आप लोगों को बोला था कमेंट करने के नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ाएं, तो मेजोरिटी लोगों ने बोला कि साउंड पढ़ाने के लिए। तो ठीक है, हम लोग साउंड से स्टार्ट करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो साउंड में आपका टोटल दो दो लेक्चर होगा मोस्ट प्रोबेबली। पहला लेक्चर का ये कंटेंट है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। और प्रोपेगेशन ऑफ साउंड्स में हम लोग तीन चार चीज़ें पढ़ेंगे। साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल, साउंड्स वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव, और उसमें फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, स्पीड, वेव लेंथ, ये सब देखेंगे। स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया देखेंगे, ये हम लोग का होगा 5.1। और 5.2 हम लोग का होगा, उसमें हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जिसमें एको के बारे में पढ़ेंगे, रिवर्बरेशन के बारे में पढ़ेंगे, इसी को गूंज और प्रतिध्वनि भी बोलते हैं। और फिर रेंज ऑफ हियरिंग देखेंगे और उसी में हम लोग अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड के बारे में पढ़ेंगे, सोनार, नॉइज और कुछ चीजें देखेंगे। और हर चैप्टर में तीन चार क्वेश्चन हम लोग करेंगे प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल, और उसके बाद एक मॉक टेस्ट आएगा। तो उसमें मैं 15-20 अराउंड एक या दो मॉक टेस्ट लूंगा, तो 15-20-25-30 के आसपास क्वेश्चन आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साउंड होता क्या है, इसका डिफिनेशन देख लो। साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। साउंड एक वेव है, जैसे लाइट मैंने आपको बताया था कि रे भी होता है, वेव होता है, तो साउंड एक वेव है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जैसे आप लोग एनर्जी का बहुत सारा काइंड पढ़े होंगे, मैकेनिकल एनर्जी होता है, उसी तरह साउंड एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब टाइप आप लोग पढ़े होंगे। मैकेनिकल एनर्जी में ही पोटेंशियल एनर्जी होता था, काइनेटिक एनर्जी होता था, तो उसी तरह एक साउंड एनर्जी भी होता है। इसके मदद से, इस एनर्जी से क्या होता है, सेंसेशन ऑफ हियरिंग, सुनने की क्षमता आती है। हम लोग का कान जो होता है तो उसमें ईयर ड्रम होता है, ये अगर हम लोग का कान है तो अंदर ऐसे इसका नली होता है, और यहां पे जो ईयर ड्रम होता है ना, ये पर्दा, तो जब भी कोई कुछ बोलता है तो वो एनर्जी गया ऐसे करके और हमारे कान पे गया और ये पर्दे पर धक 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 हुआ, तो उससे हम लोगों को जैसा लाउडनेस हुआ, क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या एम्पलीट्यूड है, इससे पिच डिफाइन होता है, ये सब मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो हम लोग को सुनने का सेंसेशन आता है, ठीक है। तो साउंड के बारे में बस इतना याद रखो, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जिससे हम लोग को सुनने की क्षमता आती है, सेंसेशन ऑफ हियरिंग आता है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, देखो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस करने का बस एक जरिया है, उसको बोलते हैं वाइब्रेशन, कंपन शायद हिंदी में बोलते हैं। आप लोग हाथ रगड़ते हो तो एक रगड़ने वाला साउंड आता है, किसी बर्तन पे बर्तन पटको तो एक थोड़ा पतला साउंड आता है, हम लोग बोलते हैं तो हम लोग के अंदर डायफ्राम या ये सब जो होता है वो क्या करता है, एक वाइब्रेटिंग बॉडी होता है हम लोग का, ठीक है। कोई भी चीज आप लोग कुछ भी कर रहे हो ना, तो आप वाइब्रेट कर रहे हो, अगर कस के मार रहे हो तो कस के वाइब्रेट कर रहे हो, धीरे से मार रहे हो तो धीरे से वाइब्रेट हो रहा है, तो उससे एक साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड कैसे होता है, वाइब्रेशन के थ्रू होता है। और वाइब्रेशन आपको पता ही है क्या होता है, कोई भी चीज अगर टू एंड फ्रो का मतलब हुआ इधर उधर, इसको टू एंड फ्रो ऐसे समझ लो, तो जैसे हम लोग ताली बजाए तो वो एक तरह का टू एंड फ्रो मोशन हो गया। हम लोग कोई बर्तन से किसी बर्तन पे मारे, या गिलास, आप लोग गिलास अगर जमीन पे गिराओगे तो गिरेगा, उठेगा, फिर गिरेगा, उठेगा, दो तीन बार होता है ना, ये सब वाइब्रेशन का एक टाइप हो गया। जब टकराता है ना तो एकदम टकरा कर वापस नहीं आता है, एकदम एक वाइब्रेट होता है, टू एंड फ्रो का मोशन होता है, आगे पीछे का मोशन होता है, उसी को हम लोग वाइब्रेशन बोलते हैं। और वो क्या करता है, एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है सामने, ये मैं थोड़ा आगे बताऊंगा, अभी बस आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एयर का अगर मॉलिक्यूल्स है ना इसमें, तो धक्का लगाता है, तो मान लो ये जो आप देख रहे हो ये एरिया, तो ये एरिया कुछ ऐसा हो जाता है, और ये एरिया थोड़ा फैल जाता है, कुछ एरिया सिकुड़ जाता है, कुछ एरिया फैल जाता है, तो इससे होता क्या है, कुछ नहीं, एनर्जी आगे जाता है, एनर्जी आगे पास होता है, और जब आपके कान तक पहुंचता है तो वो आपको सुनाई देता है, ठीक है। चलो अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, प्रोडक्शन ऑफ साउंड में आप लोगों को बस इतना जानना था, काफी छोटा टॉपिक है।
अगला पॉइंट है प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। ध्यान देना, साउंड चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक तरह से कहो जो यही है, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड में हम लोग बात करेंगे साउंड ट्रेवल कैसे करता है। यहाँ पे आप लोगों को दो तीन प्रॉपर्टीज में बताऊंगा। प्रोपेगेशन का मतलब हुआ कैसे आगे बढ़ता है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। देखो, वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है, तो वो वाइब्रेशन अगर हवा में है या रेल के पटरी पे भी, आप लोग सुनते हो ना ट्रेन का आवाज, अगर वहां पे कान लगाओगे तो, हम लोग ने ये एक्सपेरिमेंट बचपन में किया था, आवाज सुनाई देता है। दीवाल में कान लगाओ और दीवाल के दूसरे कोना पे कोई धक धक करेगा, आपको सुनाई देगा। पानी के अंदर रहोगे, अगर स्विमिंग विमिंग करते होगे पानी के अंदर रहोगे तो भी आपको कुछ सनसनाहट वाला आवाज सुनाई देता होगा। तो इससे नोटिस करो, एक मीडियम का जरूरत होता है साउंड को ट्रेवल करने के लिए। जैसे दीवार के इस तरफ से उस तरफ लाइट तो नहीं जाता था, लाइट जब मैंने पढ़ाया था तो ओपेक मीडियम उसको बोलते थे, लेकिन साउंड जा सकता है, साउंड को मीडियम चाहिए। यहाँ पे पहला पॉइंट, साउंड नीड्स अ मीडियम। अगर एयर रहेगा तो भी, एयर भी एक तरह का मीडियम हुआ ना, तो एक तरफ से हम लोग बोलेंगे दूसरे तरफ से लोग सुन सकता है। ये थ्योरी है, आप लोगों को रटने का जरूरत नहीं है, समझने का जरूरत नहीं है, सिंपल अपना दिमाग लगाओ। रूम के एक कोना में कोई आदमी बोल रहा है, आपको सुनाई देगा कि नहीं सुनाई देगा? हाँ, तो एयर में लाइट, एयर में आपका साउंड ट्रेवल कर सकता है। हाँ, वाटर, जो लोग स्विमिंग करते होंगे, जैसे मैं स्विमिंग करता हूँ, तो पानी के अंदर आप जाओगे ना और पानी में कोई दूसरा आदमी भी तैर रहा है ना, तो उसके तैरने का, पैर हाथ मारने का आवाज आपको सुनाई देगा। वाटर में भी साउंड ट्रेवल करता है, ठीक है। अब बचा एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉलिड आप बोल सकते हो, सॉलिड में आपका आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब में ट्रेवल कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो आप लोग बेड पर सोओगे और मोबाइल देखना, अगर बेड के दूसरे कोने पर वाइब्रेट करता है तो आपके कान को सुनाई देता है कि नहीं सुनाई देता है? सुनाई देगा। तो सॉलिड में भी साउंड ट्रेवल करता है, ये तीन चीज आप लोग याद रखो। तो देखो, साउंड ट्रेवल किया हमारा एयर में, वाटर में, सॉलिड में। एक चीज आता है वैकम, तो इसमें साउंड ट्रेवल कर सकता है कि नहीं, बताओ? नहीं। यही डिफरेंस होता है लाइट में और साउंड में। साउंड, लाइट आपका वैकम में ट्रेवल कर सकता है, ये आपका हो गया साउंड। शायद कभी पूछ दे इस टाइप का एमसीक्यू, तो लाइट आपका एयर में करता है, हाँ, वाटर में करता है, हाँ, सॉलिड में भी कर सकता है, अगर शीशा है तो कर सकता है, आयरन है तो नहीं कर सकता है, तो हाँ भी नहीं भी, वैकम में कर सकता है तो हाँ, लेकिन आपका साउंड वैकम में ट्रेवल नहीं करता है। क्यों? क्योंकि साउंड को एक मीडियम का जरूरत होता है, वैकम मीडियम नहीं है, एक तरह से बोलो कि ये मीडियम नहीं है, वैकम का मतलब कुछ नहीं। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, तो देखो, मैं कोई चीज यहाँ पे ताली बजाया, यहां का एयर जो रहा या जो भी पार्टिकल रहा, वो एक दूसरे को एनर्जी पास किया और उसके बाद हम लोग के पास, हम लोग के कान के पास गया तो हम लोग सुने, ठीक है। लेकिन अगर ये वैकम है तो बीच में कोई पार्टिकल है ही नहीं, तो इस जगह से साउंड इस जगह तक जा सकता है? नहीं। इसीलिए यहां पे याद रखो एक पॉइंट कि साउंड वैकम में ट्रेवल नहीं करता है। अगला पॉइंट है साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखो, वेव दो तरह का, यहाँ पे आप लोग टाइप पढ़ लो, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक होता है ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। दो वेव का टाइप, एक होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा होता है ट्रांसवर्स। देखो, ये दोनों में डिफरेंस देख लो। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है ना, जैसे जैसे आगे जाता है ना हम लोग का वेव, तो जो पार्टिकल होता है या एनर्जी होता है वो वेव के डायरेक्शन में एसिलेट करता है। मतलब अगर मान लो एनर्जी यहाँ पे है तो वो ऐसे ऐसे करेगा, वो अपने आगे वाले एनर्जी को एनर्जी देगा, आगे वाले पार्टिकल को, तो वो ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे करके वो आगे बढ़ता है, समझ रहे हो? लेकिन ट्रांसवर्स वेव में ये पार्टिकल है तो ये
ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, और ये अपने आगे वाले को एनर्जी देगा तो वो फिर ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा। तो बस इसका एक छोटा सा डिफरेंस मैंने बता दिया आप लोगों को, इसमें ज्यादा जानने का जरूरत नहीं है। ट्रांसवर्स वेव में जो वेव का डायरेक्शन होता है ना, उसके परपेंडिकुलर पार्टिकल ऑसिलेट करता है, बट लॉन्गिट्यूडनल वेव में उसके पैरेलल या उस पाथ में ट्रेवर्स करता है। शॉर्टकट अगर या ट्रिक समझो तो लॉन्ग है ना, ये नाम लॉन्ग है ना, लॉन्ग मतलब लंबाई, तो जिस तरफ बढ़ रहा है उस लंबाई के डायरेक्शन में। बचा ट्रांसवर्स, तो वो हो गया उसके परपेंडिकुलर। तो ये दो चीज आप लोग याद रखो, ठीक है। और साउंड आपका क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। यहीं पे आता है आपका लाइट। लाइट क्या है आपका? ट्रांसवर्स वेव है। ये जो चीज मैं बोल रहा हूं आप लोग अपने कॉपी में लिख लो, ये सब इंपॉर्टेंट है। और साउंड का सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड अभी जो मैं बता रहा हूं यही है, ठीक है। आप लोगों को एमसीक्यू में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। तीसरा चीज है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? देखो, तो वेव जब मैंने पढ़ाया था आपको, लाइट में भी ये सब थोड़ा बहुत बता दिया था, नहीं पता है तो आप लोग लाइट का भी देख ही लो, वो भी आपके सिलेबस में है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या होता है ना, क्या क्या वेव का प्रॉपर्टीज होता है, तो यहाँ पे हम लोग साउंड पढ़ रहे हैं तो साउंड वेव का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आता है फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, स्पीड, वेवलेंथ भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेव कैसा होता है, कुछ वेव को ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये पाथ है, ठीक है। तो एक सेकंड में कितना बार ये ऑसिलेट कर रहा है, मान लो एक सेकंड में यहां से यहां जा रहा है, तो ये एक बार ऑसिलेट हुआ। एक बार ऑसिलेशन मतलब अपना स्टार्टिंग पोजीशन पे वापस आ जाना। दो बार ऑसिलेशन हुआ और ये तीन बार ऑसिलेशन हुआ। तो एक सेकेंड में अगर मान लो तीन बार हो रहा है ना, तो उसका फ्रीक्वेंसी हो गया 3 हर्ट्ज। हर्ट्ज या हर्ट्ज को ही सेकेंड इनवर्स बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग हर्ट्ज बोलते हैं। इसका डायमेंशन T^-1 होता है, याद रख सकते हो, यूनिट एंड डायमेंशन का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, पूछ देगा कि हर्ट्ज का क्या होता है डायमेंशन, तो T^-1, ठीक है। तो 3 हर्ट्ज अगर कहीं पे लिखा है तो इसका मतलब हुआ एक सेकंड में तीन बार ऑसिलेट कर रहा है, ये चीज समझ रहे हो। 10 हर्ट्ज है तो इसका मतलब एक सेकंड में 10 बार ऑसिलेट कर रहा है। यहीं पे आपका एक कंसेप्ट आ जाता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब हुआ एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा, ये एक ऑसिलेशन है, इसमें इसको कितना टाइम लगा, वो हो गया टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को हम लोग अगर टी से डिनोट करते हैं, टी से डिनोट करते हैं, तो टी इजकल टू क्या होगा बताओ आप, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैं 2 सेकंड के लिए पॉज करता हूं, वीडियो पॉज करके सोचो टाइम पीरियड बराबर क्या हो सकता है और क्यों होगा। देखो मैं बताता हूं, टाइम पीरियड इजकल टू होता है 1/f। अब पूछो क्यों, ये फॉर्मूला आप लोग याद रख लो, इंपॉर्टेंट है। टी मतलब टाइम पीरियड, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी। अब देखो किसी चीज का फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्ज, ऐसे मान लो एफ इजकल टू 5 हर्ट्ज है, इसका मतलब क्या हुआ, एक सेकेंड में वो 5 बार ऑसिलेट कर रहा है ना, मतलब 5 बार ऑसिलेट कर रहा है एक सेकेंड में। तो एक बार ऑसिलेट कितना करेगा, 1/5 सेकेंड में ना, ये चीज समझ रहे हो। तो यही चीज तो पूछ रहा है, एक ऑसिलेशन का जो टाइम लगेगा वो होता है आपका टाइम पीरियड। तो यहीं से ये फॉर्मूला आया T^1/f, ठीक है। ये चीज आप लोग रिमेम्बर कर लो, रट लो, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा पॉइंट है आपका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, देखो ये वेव देख रहे हो, ये वेव जो मैंने बनाया है, तो इसमें पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से कितना ज्यादा ऊपर या कितना ज्यादा नीचे जाता है उसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये आपका एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है। तो आप लोग एम्पलीट्यूड याद ऐसे रख सकते हो। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आप लोगों को मैं क्वेश्चन बता देता हूं। पूछता है आप लोगों को साउंड में कि पिच, पिच मतलब कोई सा
साउंड कितना पतला है ना, कितना जैसे बच्चा लोग का या लड़की लोग का आवाज ज्यादा पतला होता है ना कान में, हम लोग बोलते हैं ना कि यार क्या बोल रही है, आवाज बर्दाश्त नहीं होता है। यार बच्चा लोग रोता है तो हम लोग को थोड़ा वो सर दर्द करता है। आदमी लोग का आवाज थोड़ा मोटा होता है, लड़की लोग का आवाज थोड़ा पतला होता है। क्यों? क्योंकि लड़की लोग का जो बोलने का साउंड वेव जो होता है ना, उसका फ्रिक्वेंसी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। जैसे जैसे हम लोग का उम्र बढ़ता है ना, तो हम लोग का आवाज देखना, नोटिस करना, बच्चा लोग का उम्र जैसे जैसे बढ़ता है तो उसका आवाज थोड़ा थोड़ा मोटा होने लगता है। क्यों? फ्रीक्वेंसी घटने लगता है। तो यहां से आप लोग याद रखो, फ्रीक्वेंसी से पिच, साउंड का पिच डिफाइंड होता है। ठीक है, याद रखो, पिच को ही कहीं कहीं श्रिलनेस बोलते हैं, लेकिन पिच ज्यादा पॉपुलर फॉर्मेट है, तो आप लोग पिच याद रखो, ये ज्यादा पॉपुलर नाम है। लाउडनेस, लाउडनेस कोई आवाज कितना कस के आ रहा है। जैसे ढोलक अगर बजाते हो, ड्रम अगर बजाते हो, तो जितना कस के उस पे हाथ डालोगे वो उतना लाउड होगा, जितना कस के आप लोग बोलते हो उतना लाउड होता है। तो वहां पे एम्पलीट्यूड का कंसेप्ट आता है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड से आपका लाउडनेस डिफाइंड होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा, ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ये लिख लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं बोल रहा हूँ लिखने लिख लो। और लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। ठीक है, अगला पॉइंट है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को वेव पढ़ाया था, मतलब वेव नहीं पढ़ाया था, लाइट पढ़ाया था, तो लाइट के पहला चैप्टर में ही आप लोगों को बताया था। स्पीड इज इक्वल टू होता है एफ लैम्डा। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? एफ लैम्डा। ये चीज आप लोग लिख लो, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ये चीज आप लोग लिख लो, आप लोग उसे पूछ देगा कि वेवलेंथ इतना है, फ्रीक्वेंसी इतना है, तो उसका स्पीड कितना होगा, या इसी पे घुमा फिरा के पूछ देगा। तो वी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी को एफ, कहीं के न्यू से लिखते हैं, यहाँ पे मैं एफ लिखता हूँ, एफ इंटू लैमडा। पूछोगे ये फॉर्मूला कैसे आया? देखो, वेवलेंथ का मतलब क्या था, ये वेव जो है, ये वेव जो मैंने बनाया है, ये एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, मतलब अपना इनिशियल पॉइंट से वापस उसी फेज में इस जगह आया ना, उतना में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसी को हम लोग बोलते हैं लैम्डा। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी बताता है एक सेकंड में ये कितना बार हुआ। तो एक सेकंड में अगर 3 बार हुआ तो फ्रीक्वेंसी आपका कितना हो गया? 3। यहाँ पे मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ, स्टार्टिंग फेज आपका अगर ये है और एंड फेज ये है, तो आपका कितना डिस्टेंस टोटल ट्रेवल किया? 3 × λ किया ना, 3 × λ, तो 3 आपका क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी हो गया, और लैम्डा आपका वेवलेंथ हो गया। तो यहां से आपका फॉर्मूला आ जाएगा। याद रखो, फ्रीक्वेंसी कभी भी मीडियम बदलता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। वेवलेंथ आपका चेंज हो सकता है, फ्रीक्वेंसी आपका चेंज नहीं होता है कभी भी, किसी भी वेव का, साउंड का बोलो, लाइट का बोलो। लाइट भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो आप लोगों को बोला था कि फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज विथ मीडियम। चलो, इतना चीज आप लोग देख लिया, एक दो चीज और मैं बताऊंगा समय के साथ। अब आगे बढ़ते हैं, आज का अगला और लास्ट पॉइंट आज का है स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया, अलग अलग मीडिया में क्या होता है। इसमें आप लोग से मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा पूछेगा डीप में, बट थोरोली याद रखो, थोरोली एयर में अराउंड 330, कहीं कहीं 333 लिखता है, कहीं कहीं 331 लिखता है मीटर पर सेकंड। 330 मैं लिखता हूं, आप लोग समझ जाना। वाटर में कहीं 1400 लिखता है, कहीं 1500 लिखता है, कहीं 1439 लिखता है। मैं सबका एवरेज लिख देता हूं, 1500 मीटर पर सेकेंड। और सॉलिड में 5000 नॉर्मली लिखा जाता है, लेकिन ऑब्वियस ही बात है, सब सॉलिड तो सेम नहीं होता है ना। तो एल्यूमिनियम, निकेल, ये सब में जैसे एग्जांपल लिखता हूं, निकेल, एल्यूमिनियम, ये सब में अराउंड 6000 से 7000 होता है मीटर पर सेकेंड। आपका ग्लास आ गया तो उसमें 4000 के अराउंड होता है। ये सब दोनों तो सॉलिड ही है, लेकिन दोनों में फर्क देख रहे हो। आयरन, तो आयरन में दोनों के बीच अराउंड 5500 के आसपास होता है।
तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो आपको वेलोसिटी नॉर्मली दे दिया रहेगा, अगर नहीं दिया रहेगा तो सॉलिड है तो उसका 5000 मान के चलना, वाटर है तो उसका 1400-1500 मान के चलना, एयर है तो उसका 330, 300, 331 ऐसे करके मानना, आप लोगों को ये दिया रहेगा। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखे एक बार समरी सुन लो। साउंड क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है ये आपको पता होना चाहिए। वाइब्रेशन के थ्रू प्रोडक्शन ऑफ साउंड होता है। प्रोपगेशन में आप लोग याद रखो, अ मीडियम टू ट्रेवल, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। और वैकम, वैकम में साउंड ट्रेवल नहीं होता है, वैकम में साउंड ट्रेवल नहीं होता है। एयर, वाटर और आपका सॉलिड, इसमें क्या होता है साउंड का वेलोसिटी ये आप याद रखो। साउंड वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव मैंने बताया, इसमें आप लोगों को फ्रीक्वेंसी एफ, इसका एसआई यूनिट क्या होता है हर्ट्ज, और ये क्या होता है सेकेंड इनवर्स होता है, और इसी से आपका पिच डिफाइंड होता है। ये मैं समरी बता रहा हूँ, सबको पता होना चाहिए। जैसे गिटार, गिटार में क्या होता है पिच का ही ना कमाल होता है, उसका साउंड देखना बहुत ज्यादा लाउड नहीं रहेगा, उसके लिए माइक वाइक लगाना पड़ता है, लेकिन पिच देखना कितना ज्यादा रहता है। लेकिन ढोलक का एग्जाम्पल ले लो, या गाड़ी वाड़ी का जो हॉर्न होता है, जैसे बैकग्राउंड में आप लोगों को गाड़ी का आवाज सुनाई दे रहा होगा, तो वो सब का जो हॉर्न होता है वो लोग का पिच ज्यादा नहीं होता है लेकिन एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, इसके लिए हम लोगों को कस के सुनाई देता है। मोटा आवाज जो भी होता है ना समझो वो लाउड होता है, वहां पे एम्पलीट्यूड का कमाल है। जो आवाज एकदम मतलब अजीब लगेगा, आपके कान पे ऐसे लगेगा काट रहा है, ठीक है, वो वहां पे फ्रीक्वेंसी का कमाल होता है। तो एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या हो गया मीटर, नैनोमीटर, ये सब में होता है, एंगस्ट्रम में भी डिनोट करते हैं, इसका ऐसा यूनिट यहाँ पे नहीं है। तो एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाउड, लाउडनेस, या लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। फ्रीक्वेंसी को न्यू से लिखो या एफ से लिखो। देखो क्वेश्चन मैं आप लोगों को मॉक टेस्ट में ज्यादा कराऊंगा, लेकिन दो तीन क्वेश्चन जो मैंने एनसीईआरटी बुक कहीं कहीं से कलेक्ट किया देख लो, इससे आप लोगों को थोड़ा सा आज जो पढ़े हो ना उसका रिविजन हो जाएगा, ठीक है। बस आप लोगों का 5 मिनट लूंगा। देखो ये दोनों क्वेश्चन मैंने किसी किताब से ही लिया है, एनसीईआरटी का बुक या किसी किताब से ही लिया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार पढ़ो आप लोग, मैं पॉज करता हूं थोड़ी देर के लिए, आप लोग पढ़ो सॉल्व करो और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव हुज फ्रीक्वेंसी इज 220 हर्ट्ज एंड स्पीड इज 440 मीटर पर सेकेंड इन अ गिवन मीडियम। मतलब कोई मीडियम दिया हुआ है और उसमें फ्रीक्वेंसी बोल रहा है कि 220 हर्ट्ज है और स्पीड 440 मीटर पर सेकंड है, तो उसका वेवलेंथ निकालना है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, यही होता है ना। वेलोसिटी आपको 440 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, सब चीज जब एसआई में है तो मीडियम ये लिखने का जरूरत नहीं है, बट मैं आप लोगों को लिख के समझा देता हूँ कैसे आंसर आता है। फ्रीक्वेंसी क्या है, 220 हर्ट्ज, 220 हर्ट्ज, हर्ट्ज का मतलब 1/सेकंड होता है, 1/सेकंड होता है, इंटू लैम्डा। ये देखो 2 सेकंड से 2 सेकंड कट गया, यहाँ पे मैं आप लोगों को डायमेंशन लिखने का जरूरत नहीं था, मैं आप लोगों को बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ। लैम्डा आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, 440/220 यानी 2 मीटर, ये चीज समझ है। तो यही आपका ऐसे ही पूछ सकता है, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन, इसी को थोड़ा घुमा के पूछ देगा। मैं आपको इजी जी करा रहा हूँ ना, इजी अभी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि कंसेप्ट के लिए ये इजी ही जरूरी है, बाद में थोड़ा टफ लेवल पे जाएंगे अपन। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन इज लिसनिंग टू अ टोन ऑफ 500 हर्ट्ज सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड, व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशन फ्रॉम द सोर्स। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया कंप्रेसर, ये मैंने आप लोगों को नहीं बताया था, तो ठीक है क्वेश्चन के थ्रू जान लो। हमको लग नहीं रहा है कि इतना कंप्रेशन और एक रेयर फिक्शन होता है ये आप लोगों को पूछेगा, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं। देखो मैंने जब आप लोगों को थोड़ी देर पहले एक स्लाइड में बताया था कि साउंड जब ट्रेवल करता है तो बीच का जो ऐसे अगर पार्ट मान लो ये बराबर बराबर लेंथ का मैंने पार्ट कर दिया, तो जब साउंड ट्रेवल करता है ना तो एक दूसरे को धक्का लगाता है और खींचता है, एक दूसरे को धक्का लगाता है और खींचता है,
लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसा ही होता है। तो ये दो मीडियम सिकुड़ के कुछ ऐसा हो जाएगा और ये दो मीडियम फैल कर कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये सिकुड़ रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन, कंप्रेशन। और जो फैल रहा है ना उसको हम लोग बोलते हैं रेयरफैक्शन, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग रेयरफैक्शन। तो ये आप लोगों से पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन बस नाम याद रख लो। तो ऐसे अगर हम लोग का वेव हुआ, ये वेव हुआ, तो बस समझने के लिए समझो, अगर ये पॉइंट आपका टॉप कंप्रेशन का पॉइंट हुआ ना तो ये पॉइंट आपका रेयर फैक्शन का हुआ, या ये पॉइंट आपका रेयर फैक्शन का हुआ ना तो ये पॉइंट आपका कंप्रेशन का हुआ। तो बोल रहा है दो सक्सेसिव कंप्रेशन, मतलब अगर इसको मान रहे हो कंप्रेशन तो आपका ये पॉइंट और सक्सेसिव मैंने इसका अगला पॉइंट सेम कंप्रेशन कौन सा हुआ, ये हुआ ना, ये चीज देख रहे हो। तो ये दो के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्डा। इसी को ना हम लोग बोलते हैं, देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का दूरी हो गया लैम्डा, कोई भी दो सेम सेम पोजीशन के बीच का डिस्टेंस हो गया लैम्डा। तो हमको ये पूछ रहा है लैम्डा के बारे में। तो लैम्डा बराबर क्या होता है, आप लोगों को मैंने बताया था फॉर्मूला याद करो, याद आया, लैम्डा बराबर होता था वी बाई एफ। देखो क्या पहले पूछ क्या रहा है, पहले पढ़ो व्हाट इज द टाइम इंटरवल। अच्छा टाइम इंटरवल पूछ रहा है, हम लोग फालतू का लैम्डा निकाल रहे थे। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस तो लैम्डा हो गया, लेकिन एक टाइम, कितना टाइम में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाता है उसी को ना हम लोग टाइम पीरियड बोले थे। आप लोगों को टाइम पीरियड का मतलब मैंने बताया था कि एक वेव मतलब अपना स्टार्टिंग पोजीशन से वापस उसी पोजीशन पे आने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू कितना होता था, 1/f। f आपका कितना है 500, तो 1/500 ये कितना होगा 0.0002, यही होगा ना, सोचो। देखो मैंने यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दिया, ये सब गलती अगर मुझसे भी हो रही है तो अपना दिमाग लगाओ, ये कमेंट मत करने लगना कि सर गलती हो गया। 0.002 सेकेंड होगा आपका टाइम पीरियड, ठीक है। तो देखो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा अगला चैप्टर में पढ़ाऊंगा, तो उसमें एको पढ़ाऊंगा, उसमें एको पे भी एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी के लिए मुझे लगता है कि इतना काफी रहेगा। हम लोग अब क्या करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। और थोड़ा सा लेट मैंने स्टार्ट किया, साउंड में थोड़ा टाइम लग गया, इसके लिए क्या करोगे, सॉरी यार। हुआ कुछ नहीं, एग्जाम आपका डिले हो गया तो आप लोग भी रिलैक्स हो गए, देख रहे हो चैनल पे थोड़ा सा व्यू घट गया, तो हम लोग भी थोड़ा रिलैक्स हो गए कि ठीक है भाई क्यों लोड लें। एक दिन में 10-10 घंटा हम लोग लगा रहे थे वीडियो बनाने में, 10 घंटा की जगह 5 घंटा होने लगा, तो इसीलिए आप लोगों का वीडियो थोड़ा सा धीरे हो गया था। चिंता मत करो, हम लोग का वीडियो का स्पीड है ना एग्जाम पे डिफाइंड रहता है। एग्जाम जैसे अगर पहले करता है तो हम लोग वीडियो का स्पीड भी बढ़ा देते हैं, एग्जाम लेट करता है तो वीडियो का स्पीड घट जाता है। आप लोग कोई दिक्कत नहीं है। एक इंपॉर्टेंट नोटिस आप लोगों को बता देता हूं, आप कितने लोगों को मैंने बोला है कि यार बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में आप लोगों का फिजिक्स का 2-3-4 चैप्टर अभिजीत सर करा चुके हैं, जिसमें यूनिट एंड डायमेंशन है, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और भी एक दो चैप्टर है, वर्क पावर एनर्जी है, ये सब है। तो आप लोग वहां से पढ़ो, पता नहीं आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। तो मैं एक नोटिस कर देता हूं, मैं 2-3 चैप्टर है ना फिजिक्स के प्लेलिस्ट में, बेसिक साइंस में जो भी वीडियो है वो मैं आपके फिजिक्स के प्लेलिस्ट में भी डाल दूंगा। आप लोग अपने प्लेलिस्ट से पढ़ो, कितना भी बोलो कुछ लोग समझते ही नहीं है, उन लोगों को सब वीडियो फिजिक्स के प्लेलिस्ट में चाहिए तभी पढ़ेंगे। तो ठीक है, आप लोग के लिए मैं वो प्लेलिस्ट में डाल लेता हूँ, आप लोग वहां से पढ़ लेना, ठीक है। और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। देखो फिजिक्स क्या है, एक ट्रेड है, बेसिक साइंस सब ट्रेड का कॉमन है, तो उस पर ज्यादा व्यू आता है और फिजिक्स पे कम व्यू आता है। तो कम व्यू आता है ना तो हम लोग भी यार उतना मतलब मेहनत करने में मन नहीं लगता है यार, मतलब 10,000-20,000 लोग देखेंगे तब ना मजा भी आएगा। तो आप लोग प्लीज शेयर करो, आप लोग शेयर कुछ नहीं करते हो, ठीक है, शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।